Namaste, this is JV and Dr. Vinakshi Soni, Faculty of Homeopathic Science, Department of Homeopathic Repertory, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's our topic is miasma, miasmatic study of case and its utility in the repertory. Miasma is what? Miasma is the fundamental cause of the disease. जितने भी मियाज्म होते हैं दीज आर द कॉज ऑफ द एक्चुअली क्रॉनिक डिसीज ऑल्सो एंड फॉर डिसीज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि एक्यूट डिसीज में मियाज्म नहीं होता है. मियाज्म दोनों में होता है, एक्यूट में भी होता है और क्रॉनिक में भी होता है. दोनों में मियाज्म का जो होता है बेसिक जो होता है कॉज वो मियाज्म ही होता है. सो मियाज्म इट इज अ कॉज ऑफ डिसीज. So the theory of chronic miasm first introduced in the fourth edition of Organon of Medicine in the year 1829. Miasms are destructive in every way of the mind and the body. They rear the every spirit of man. It is a disorganizing disease that fills the state of institution of any every description. Miasm जो रहता है वो किसी भी form में हो body में तो वो हमारी body को mental and physically दोनों ही रूप में affect करता है. और जब वो affect करने start कर देता है तो body में जो symptoms आते हैं these symptoms produce the disease particular. अगर किसी body में itch आ रही है that is miasm. अगर किसी body में destruction हो रहा है that is miasm. कोई overgrowth हो रही है that is miasm. So miasm first introduced in Organon of Medicine. This information led Honeyman to believe that the microorganisms were at the root of many infectious diseases. For this reason, he supported the idea of animalculists, but at the same time upheld the importance of susceptibility of his host constitution. Very early in his career, Honeyman suggested that certain skin eruptions, such as the crustal axia, were being caused by a microscopic miasmic animalculi, example microorganism. At this time, every year, four major theories about disease that spread in the infectious manner. अगर हम बात करें इन्फेक्शंस की तो जब हम एलाइड साइंस की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका जो मेन कॉज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट? वायरसेस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया. दीज आर द कॉज ऑफ इन्फेक्शंस. बट इन होम्योपैथी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अलग वे में बताया गया है कि यहाँ पे जो कॉज हम बता रहे हैं दीज आर द मियाजम्स. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मियाजम्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मियाज्म इन होम्योपैथी इन हैनिमन नहीं. इन होम्योपैथी द वर्ड मियाज्म मीन्स द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द वाइटल फोर्स इंक्लूडिंग द सिम्टम्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू द फॉलोइंग जनरेशंस. दीज क्रॉनिक मियाज्म्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डीजनरेटिव इलनेसेस. ऑटो इम्यून डिसीज लीड टू द ऑर्गेनिज्म टूवर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं वैसे ही हमारा मियाज्म होता है. मियाज्म जो कि इन्फ्लुएंस करता है वाइटल फोर्स को. हैनिमन नोटिस दैट ईच ऑफ द क्रॉनिक डिसीज हैज थ्री फेजेस, अ प्राइमरी स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड द सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज. द इफेक्ट ऑफ दीज मियाज्म्स वर देन पास्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय इनहेरिटेंस एंड कॉज प्रीडिस्पोजिशंस टू सर्टेन डिसीज एंड सिंड्रोम्स. एक्सपर हैनिमन उन्होंने बताया था जो मियाजम्स होते हैं उनके तीन स्टेज होते हैं. अब इन तीन स्टेज में होता है प्राइमरी स्टेज जबकि वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है बट उसके जो सिम्टम्स है बहुत माइन्यूट से होते हैं, बहुत इनिशियल से सिम्टम्स आपके पास आते हैं. आप उसको ट्रीट कर देते हैं या फिर आप उसको अवॉइड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है बट वो लेटेंट स्टेज में चला जाता है. जब वो लेटेंट स्टेज में जाता है तो वो उसके सिम्टम्स नहीं देता है. लेकिन जब वो जो है आपके पास कोई इफेक्ट कर रहा है, कोई सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं और वो सेकेंडरी या टर्शरी स्टेज में जा रहा है तो उसके सेकेंडरी टाइप ऑफ सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगते हैं. दीज इफेक्ट आर मियाजम्स आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. जो भी आएगा वो सिम्टम के फॉर्म में आएगा. प्राइमरी स्टेज हो, लेटेंट स्टेज हो, सेकेंडरी स्टेज हो या टर्शरी स्टेज हो, उसको आपको सिम्टम के फॉर्म में ही पहचानना होता है. तो ये हमारे मियाज्म के फेजेस होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होते रहते हैं.
The three chronic miasms that Henneman introduced in the 1828 were collected from the organon of medicine, that is the sora, the itch miasm, the psychosis, gonorrheal miasm, and the syphilis, the chancre miasm. Psychosis, sora, syphilis, these are three miasms first introduced by Henneman. Henneman published his miasmatic theory long before the presence of germs was widely accepted, so most practitioners found it hard to understand, such as the sophisticated theory of contagion. Okay, Henneman miasmatic theory are now contain two veneral, the two non-veneral miasm that produce the lifelong chronic disease. The two non-veneral miasm, sora and the pseudosora. Sora is itch and the pseudosora is tubercle disease. And the two veneral miasm are the psychosis. Psychosis is the thick wart, it is overgrowth, and the syphilis is the chancre. It is a destructive type of miasm. ये जो मियाजम्स हैं इनकी थ्योरी बहुत सारी आ गई है. अब कुछ स्यूडो होते हैं, कुछ फॉल्स मियाजम्स भी होते हैं. कुछ लोगों ने सोरा जो है उसको डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में, किसी ने सिफिलिस को डिवाइड कर दिया है, पर ये मिक्स फॉर्म में भी होते हैं और सिंगल फॉर्म में भी होते हैं. He decided that it was caused by a miasmatic agent with a distinct etiology. So he separated its symptoms from sora and made a new classification, also pseudosora or the TB miasm. All these miasms may acquire through a primary infection, or the their effects can be experienced through the heredity. Sora. What is sora? Sora, it is derived from the herbivorous soret, Greek word sora, and mean a groove or the stigma. Henneman held that all non-veneral chronic disease are soric. Jitni bhi veneral disease hoti hai, non-veneral, sorry, unko hum chronic disease ko sora mein rakhte hain. That includes most disease of a chronic nature, all skin disease, most mental illness other than the syphilitic ones, and allergies, varicose vein, hemorrhoids, dysfunctional disease organs ki jo hoti hai aur systems ki, unko humne sora ke under mein rakha hai. Psychosis means overgrowth, hum jante hain. This is the miasm held to the responsible for many sexual or the urinary disorders, affection of joints, mucous membranes, also the condition worsened by damp weather and by contact with the sea. Thus, arthritis, rheumatisms, asthma, catarrh, bronchitis, cystitis, warts are the all regarded partly or mainly psychotic in character. The wart can to be seen and the underlying catarrh of miasm, as it is also held to responsible for all warty excrescence and the growths. Syphilis, this is the held responsible for the many disease of nervous system, the blood, the skeleton, as range of psychological disorder, including alcoholism, depression, suicidal impulses, insanity, loss of smell and the taste, blindness, deafness, ulcerations. It is associated with many heart conditions, some vesicular skin eruptions and disease that have a definite nocturnal periodicity. Syphilis actually jana jata hai destruction ke liye. Jitne bhi destructive type ke changes hote hain aapke system mein, aapke organs mein, so that is belongs from the syphilitic miasm. Miasm is not a disease, it is a factor that makes the disease. Actually, miasm jo rahega wo khud ek disease nahi hota hai, wo aapki body mein exist karta hai. Agar aap kisi psychosis miasm ke sath birth lete hain, to wo aapki body mein generation to generation carry forward hua hai, wo disease nahi hai. This is your nature, aapka nature hi hai jo psychosis se belong kar raha hai. To ab agar aapko koi aise factors milte hain jo usko affect kar rahe hain, तो वो आपको सिम्टम के फॉर्म में आएंगे और साइकोसिस से रिलेटेड जो भी डिसीज होंगे उसको वो मैनिफेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम. सो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट मियाजम. सोरा, इट इज द मदर ऑफ ऑल मियाजम्स एंड साइकोसिस, सिफिलिस. एंड अगर जब आप सोरा एंड सिफिलिस को देखते हैं तो मिक्सचर ऑफ दिस मियाजम इज ट्यूबरकुलर मियाजम, जिसको ऑल्सो हम स्यूडोसोरा भी कहते हैं. अगर आप तीनों को मिक्स कर देते हैं तो कैंसर मियाजम अभी डेवलप हुआ है नया नया, जो कि अभी कैंसर को डिनोट करता है, कैंसर के प्रीवियस सिम्टम को डिनोट करता है, जहां पे ऐसा लगता है कि कैंसर डेवलप हो गया है. तो इट इज द सेकेंडरी और द टर्शरी टाइप ऑफ मियाजम इन पेशेंट ऑफ कैंसर. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिपर्टरी एंड मियाजम, दिस इज अवर द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक. On repertorization, Dr. Kent writes, there is an artistic method which brings the result of repertorization quickly, accurately, and miasmatically and curatively.
Dr. J. H. Allen says the honeymoon striking, singular, extraordinary, and peculiar symptom are basic miasmatic ones. So when we consider only those PQRS symptom and repertorize, it gives the miasmatic remedy. अगर आपके पास कुछ ऐसे symptoms हैं जो कि miasm को denote कर रहे हैं और आप इसके base पे बोल सकते हैं कि patient को ये miasm prominent है, तो हम उसकी miasmatic study करके miasmatic medicine निकाल के उसको anti-miasmatic treatment दे सकते हैं. This method of repertorization called as artistic method of repertorization that is given by Kant for classification of rubric. He followed the Honeyman review views referring to the chronic disease. He classified rubrics into the Sora, Psychosis, Syphilis. They are latent symptom. Author says recent trend of classifying symptom in the miasm is dangerous and newly phase original concept of Honeyman. Every chronic disease is not a chronic miasm. TB cancer rates are not miasm actually. Properly sirf teen miasms hote hain, Sora, Syphilis, Psychosis, but these products are original miasm. These are not a original miasm. Jo TB aa gaya, cancer aa gaya, AIDS aa gaya, aur ab ho sakta hai ki corona bhi ek miasm aa jaye, but that is not a true miasm. Single or in combination jo rehta hai aap miasm le sakte hain. Ye footnote number 80 mein diya hai. Honeyman striking, singular, extraordinary, peculiar symptom are the basic miasmatic actually. Always hence when the remedy is selected on basic symptoms, it is capable reaching down the enough extinguish or separate their miasmatic bone from the life force. This is demonstrated in this work with the cases and comments. The need of patients are seen in their sign and symptoms, but a thorough knowledge of those sign and symptoms are possibly from the knowledge of chronic miasm. Agar aapke paas chronic miasm ka knowledge hai, to aap pehchan jayenge ki ye kaun sa striking सिम्टम है जो किस मियाजम से बिलोंग कर रहा है. सो दिस इज गिवन इन अवर ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन एंड अवर बुक क्रॉनिक मियाजम, जहाँ पे आपको मियाजम के सब कुछ मिलेगा कि किस मियाजम के कौन से सिम्टम्स होते हैं. इवन डिजायर एवर्जन से लेकर एग्रावेशन एम्बलियोरेशन भी चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट मियाजम्स में. सो दिस इज अबाउट अवर मियाजमेटिक थ्योरी ऑफ डिसीज एंड रिलेशन बिटवीन द रिपर्टरी एंड द मियाजम. रेफरेंसेस, अवर रेफरेंसेस आर हनीमैन क्रॉनिक मियाजम, होमपाथ एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, क्रॉनिक डिसीज इशूज जो 59 नंबर पेज में आए थे 453-463 में. कैंट जेम्स टायलर की रिपर्टरी जो है उससे भी डाटा लिया गया है. लेक्चर्स कैंट के फिलोसफी जो है उससे लिया गया है. कैंट प्लेसर राइटिंग और जो भी एक बुक थी मेल्स मार्टिन की, उससे ये डाटा लिया गया है. तो दिस इज द थ्योरी ऑफ मियाजम एंड एक्सप्लेन बाय मी. आई होप यू अंडरस्टैंड. मियाजमेटिक थ्योरी में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली कमिंग फ्रॉम ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, बट राइट नाउ इन सिलेबस दैट इज एड ऑन रिपर्टरी ऑल्सो. सो आवर क्वेश्चन इज कमिंग फर्स्ट द वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिपर्टरी एंड द मियाजम. दिस इज अवर टॉपिक एक्चुअली. And how to study the case with the help of miasm. And the third question is, what is miasm? Explain all the miasm. That these question arises from the topic. Okay, thank you. I hope you understand.